शेयर कर ले, वेरी मोटिवेशन, ठीक है। और जिसको पता है बीच में मत बोलना, क्योंकि तकरीबन को नहीं पता है, ठीक है। Once what happened, a boy walks with his father near a river. अपने फादर के साथ वो एक नदी किनारे चलता रहता है और वो अपने फादर को पूछता है कि पापा मेरी वैल्यू क्या है, मेरा रिपुटेशन क्या है, मार्केट में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, ये कैसे पता चलेगा। तब उसके फादर नीचे झुकते और दो पत्थर उठाते नदी किनारे से। अब पत्थर कोई खास पत्थर नहीं होते, नॉर्मली पत्थर होते हैं, बट थोड़े से शेप में होते हैं और थोड़े से कलर में होते हैं। तो वो दो पत्थर उसको देते और उसको कहते हैं कि जाओ मार्केट में और इसको बेचने की कोशिश करो और पता करो इसका रेट कितना आता है। बेचना मत देखें, शाम तक मत बेचना, भले ही कुछ प्राइस आ जाए। वो दो पत्थर लेता है, मार्केट जाता है और दो पत्थर रखकर खड़ा हो जाता है वहां पर। अब लोग आते जाते उसको पूछते कि ये तुम्हारे दोस्त फोन की कीमत क्या है। वो कुछ नहीं कहता है, सिर्फ दो फिंगर बताता है। तो लोग कहते अच्छा $2, ठीक है। फिर लोग आते जाते पूछते जाते तुम्हारे इन पत्थरों की कीमत क्या है, वो फिर सिर्फ फिंगर दिखाता और लोग उसकी कीमत लगाते $2। शाम को वापस घर आता और पापा को कहते कि मार्केट में मैंने इसकी वैल्यू चेक की, लोग इसकी $2 से ज्यादा नहीं लगा रहे, सबने $2 ही लगाई। अब उसके पापा कहते हैं अब एक काम करो, अब बेचने का लोकेशन चेंज करो, अब कल तुम वो मार्केट में नहीं जाओगे, लोकल मार्केट में नहीं जाना है। अब एक काम करो, तुम उस म्यूजियम के बाहर जाओ जहां पर म्यूजियम में अच्छी अच्छी चीजें डेकोरेट होती है, उस म्यूजियम के बाहर खड़े रहो। वो दो पत्थर लेकर म्यूजियम के बाहर जाकर खड़ा होता है, वहां भी नीचे रखता है दो पत्थर और खड़ा हो जाता है। जो लोग म्यूजियम से निकल कर आते हैं वो भी उसको पूछते हैं प्राइस क्या है तुम्हारे इन पत्थरों का, वो सिर्फ दो फिंगर दिखाता है। अब लोग प्राइस लगाते अच्छा $200 बेचता किसी को नहीं। अभी वो खुश बहुत होता है कि $200 आ रहे हैं, बेच दू, लेकिन पापा ने कहा तो बेचना मत। फिर घर जाता है और बड़ा पछतावे के साथ कहता पापा आज तो $200 मिल रहे थे, आपने बेचने को क्यों नहीं कहा। वो कहता बेटा रुक सब्र कर थोड़ा, अब लोकेशन और चेंज कर, अब वहां जा जहां पर एंटिक चीजें मिलती है, प्रेशियस स्टोन्स जहां बिकते हैं, उस दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो। अब फिर वहां जाता है, फिर वही दो पत्थर रखता है, फिर खड़ा हो जाता है और फिर लोग आकर उससे पूछते हैं इन पत्थरों की कीमत क्या है, इन पत्थरों की कीमत क्या है। अभी भी वो कुछ नहीं कहता है, सिर्फ दो फिंगर बताता है और अब लोग कीमत लगाते हैं $2 million लोकल मार्केट में लगाई थी $2, म्यूजियम के बाहर $200 और अब $2 million। शाम होते होते अब वो $2 million में वो दो पत्थर बेचता है, खुशी खुशी घर जाता है और कहता है पापा ये पत्थर जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे, ये नदी के किनारे हमने उठाए थे, ये पत्थरों की कीमत हमको $2 million मिल गई है, ये कैसे हो गया। तब उसके फादर कहते हैं कि यही होता है तुम्हारे साथ, हमारे साथ, हमारे अंदर जो क्वालिटीज है, हमारे अंदर जो स्किल्स है, हम उनको जब सही जगह रिप्रेजेंट नहीं करते तो हमको वैसी कीमत नहीं मिलती। ये पत्थरों के असल फदरदान जो थे जानने वाले, वो उस प्रेशियस स्टोन की शॉप के बाद ही तुमको मिलने वाले थे और तुमको वहां पर वो मिले और उन्होंने उसकी सही कीमत दी। तो ये हमारे साथ भी होता है, हमारे अंदर जो भी स्किल्स है, जो भी टैलेंट है, हम उसको गलत जगह डेमोन्स्ट्रेट करते और हमको उसका सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आवर स्किल्स एंड आवर स्ट्रेंथ we should find out the field and the profession and then we get the true value for our skills. That's it. How was it? Isn't it true? So I always say that if you are not getting response, this means you are knocking wrong door. आप एक गलत दरवाजा खटखटा रहे हो, ठीक है? You should knock all the doors and check where do you get proper response. Because everybody has some skills. Everybody has some skills. ठीक है? So the same is with this. Consider your strength. Now we'll move to the next.